अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी बच्चे? आज हमने पढ़ना है यूजिंग स्प्रिंग्स, कि स्प्रिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? उनका क्या क्या कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव सीन डैट आर स्प्रिंग स्ट्रेचेज इफ़ वी पुल ऑन इट फॉर आर टाइम द मोर वी पुल ऑन द स्प्रिंग द मोर इट विल स्ट्रेच। सिमिलरली वी कैन स्क्वैश आर स्प्रिंग बाय पुशिंग डाउन ऑन इट। The harder we push down, the more the spring is squashed. Weighing machines. We can use this stretching or squashing for spring to weigh things. Bathroom scales have spring that can squash when you stand on them. The heavier you are, अक्सर दरवाज़ों में भी जो है वो स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना? The heavier you are, the more you squash the springs. A pointer is fixed into the springs. And when you stand on the scales, the pointer turns and points to the scale which show your weight. In a spring balance or Newton meter, a spring with the pointer fixed to it is a stretched. The heavier the object on the balance of meter, the more the spring is stretched, and the lower down the scale the pointer moves. Springy machines. Metal springs are used in hundreds of the machines because they can be stretched or squashed and they then return to their original shape. ठीक है, यहाँ तक आपका ये लेसन है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रीडिंग है और इसके ये तो क्वेश्चन करने हैं कि वी थिंक वी यूज टू वे थिंग्स वी यूज द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वैशिंग द वे थिंग्स। अगर वाई मेटल स्प्रिंग आर यूज इन अदर मशीन बिकॉज दे कैन स्ट्रेच एंड स्क्वैश टू एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, यहाँ तक आपकी रीडिंग है, ये आपने अच्छे से याद करनी है और क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी अपने सीट वर्क में।